महेंद्र एक चाय देना। अरे बिरजू भैया प्रणाम, कैसे हैं भैया? प्रणाम प्रणाम, अच्छे हैं हम। और बताओ मुकेश, तुम कैसे हो? ठीक है भैया। और डिजिटल ग्रीन का काम कैसे चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पिक को चलावे में थोड़ा दिक्कत है भैया। कौन सा बटन से का होता है कुछ समझ में नहीं आता है। अरे महेंद्र, अरे बिरजू भैया के लिए भी एक चाय लाओ। वो सब तो ठीक है मुकेश, लेकिन उतना भी मुश्किल काम नहीं है। शुरू शुरू में हमको भी दिक्कत हुआ था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा मुकेश, ये बताओ तुम्हारे अलावा किसी और को भी इस तरह की दिक्कत होती है? हाँ भैया, कुछ लोगों को दिक्कत होती है। पिको चला सब रहे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ऐसा करो मुकेश, जिन जिन को भी पिको चलाने में दिक्कत हो रही है उन सबको पंचायत भवन में बुला लो और हम वहाँ पर सबको एक साथ समझा देंगे। क्या कहते हो मुकेश? ठीक है भैया, जितना भी दीदी भैया लोग हैं कल ही बुला लेते हैं। एक बार अगर पिको चलाना सीख गए ना भैया, तो सारा का सारा काम ही आसान हो जाएगा। अरे नीलू बिटिया चलो, खुश रहो खुश रहो। देखो मुकेशवा बुलाया है पंचायत भवन में। हाँ, पीको के बारे में बिरजू कुछ बताने वाला। पीको चलाने में दीदी लोग जो भी दिक्कत है ना, आज बिरजू भैया से सब पूछिए लीजिएगा, शरमाइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है? आगे नहीं सर जाता है, प्रणाम चाहता है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चला चला बिरजू भैया अंदर हो गए। अरे आइए आइए दीदी भैया लोग, आइए बैठिए। प्रणाम भैया। प्रणाम जी सर जी। खुश रहो खुश रहो। कहिए कैसे हैं आप लोग? ठीक है भैया, ठीक है बिरजू भैया। अच्छा ये बताइए, मीटिंग में पिको चलाने से फायदा है क्या? हाँ भैया है, बहुत फायदा है। जब पहले बोलकर जानकारी देते थे तो 10 में से 5 ही बात समझ में आता था, लेकिन अभी पिको चलाकर जानकारी देने से अलग अलग विषयों पर चर्चा करना आसान हो गया है भैया, और वीडियो चलाकर दिखाने से ज्यादा समझ में आता है, और इसमें रुचि रख के लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं सर चाचा। हाँ हाँ, पीको चलाने से न सिर्फ जानकारी सुनते हैं बल्कि विषय और कार्य को होते हुए भी देखते हैं, इसीलिए पीको चलाना बहुत ही जरूरी है। क्यों दीदी भैया लोग? तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीको के डब्बे में क्या क्या होता है, और आप सभी को पीको के साथ ऐसा ही डब्बा मिलता है। और ये देखिए, ये है चार्जर। और समूह में कभी भी वीडियो दिखाने से पहले चार्जर से पीको को पूरी तरह चार्ज कर लेना चाहिए, नहीं तो कभी कभी चलते वीडियो में पीको बंद भी हो सकता है। हाँ भैया, मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ है, समूह में वीडियो दिखाते समय अब अचानक पिको बंद हो गए तो हम घबरा गए, लेकिन बाद में पता चला कि पिको का बैटरी फुल चार्ज ना करने की वजह से पिको बंद हो गए थे। हाँ, इसीलिए समूह में वीडियो दिखाने से पहले पिको को पूरी तरह चार्ज करना बहुत ही जरूरी होता है। और ये है रिमोट, और इससे आप दूर से भी पिको को चला सकते हैं। बिरजू भैया, हमारे पिको के साथ तो रिमोट मिला ही नहीं। किसी पिको के साथ रिमोट मिलता है और किसी के साथ नहीं भी मिलता है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। पीको में जो बटन होता है उससे भी पीको को आसानी से चलाया जा सकता है। और ये है पीको, और सबसे पहले ये जरूरी है कि हम इसको चालू करना सीख लें। ध्यान से देखिएगा, ये है पीको का ऑन बटन, और पीको को ऑन करने के लिए इस बटन को 5 सेकंड तक दबाए रखना पड़ता है, और तब जाकर पीको ऑन होना शुरू होता है। और हाँ, अंधेरे कमरे में वीडियो बहुत ही बढ़िया दिखता है। और अब ये पीको
चालू हो गया। पीको चालू होने के बाद हम बड़ी तस्वीर बनाएंगे। बड़ी तस्वीर में छोटी चीज़ें भी नज़र आती हैं और लोगों को देखने में भी ज़्यादा रुचि होती है। हम पीको को पर्दे के जितने पास ले जाएंगे, तस्वीर उतनी ही छोटी बनेगी और पर्दे से जितनी दूर ले जाएंगे, तस्वीर उतनी बड़ी बनेगी। पीको को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। ऊंचे स्थान पर रखने से तस्वीर भी ऊंची बनती है और पीछे बैठे लोगों को भी दिखाई पड़ता है। और पीको को हमेशा सीधा रखना चाहिए। सीधा रखने से तस्वीर भी सीधी बनती है। हाँ, ये आसान है, पर बिरजू, जब तस्वीर धुंधली दिखाई देती है तो समझ में नहीं आता है क्या करें। ये आपने लाख टके की बात कही है चाचा। पीको में कभी कभी तस्वीर धुंधली हो जाती है, लेकिन इसको सही करने का एकदम आसान तरीका है। हर पीको में एक बटन होता है, इसको आगे पीछे करने से तस्वीर धुंधली या साफ हो जाती है। हाँ हाँ, भैया पीको तो चल गया है, सब तैयारी भी हो गई है, लेकिन भैया अपना वीडियो कैसे दिखाएं? वीडियो हमें ऑफिस से पीको में या चिप में मिल जाता है। यदि वीडियो पीको में हो तब हमें चिप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि वीडियो चिप में हो तब हमें चिप को पीको में सही तरीके से लगाना बेहद ज़रूरी है। ये देखिए, अब हम इस चिप को पीको में लगाएंगे। जब चिप सही तरीके से पीको में लग जाएगा तब एक कट की आवाज होती है। एक बार जब चिप लग जाए तब हमें इस बटन को दबाना होता है, चिप को चुनना होता है। कुछ पीको में ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है और हमें चिन्हों को पहचानने और याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ भैया, चिन्हों को याद रखने से पीको चलाना आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो सूची में चलते हैं। इसके लिए हमें ओके बटन को दबाना होता है। एक बार जब वीडियो सूची खुल जाए तब हम ऊपर नीचे दाएं बाएं के बटन से उस वीडियो को चुन सकते हैं जिसे हमें समूह में दिखाना होता है। भैया क्या हम करके देखें? हाँ, क्यों नहीं कीजिए। ठीक है। बिरजू भैया, पीको तो चालू हो गया, लेकिन आवाज़ इतना कम क्यों है? हम पीको या रिमोट से भी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। हाँ भैया, देखने के साथ साथ सभी लोगों को साफ सुनाई भी देना चाहिए। किसी किसी पीको में हो सकता है कि आवाज़ बढ़ाने पर भी सबको सुनाई न दे, ऐसे में हम पीको के साथ अलग से भी साउंड लगा सकते हैं ताकि समूह में बैठे सभी लोग साफ साफ आवाज़ को सुन और समझ सकें। ये रहा कोड, इसे अब हम पीको में लगाएंगे। अब हम साउंड को चालू करेंगे और इसकी आवाज़ को बढ़ाएंगे। जब आप समूह में वीडियो दिखाएं तो वीडियो को रोककर अब तक दिखाई गई सारी बातों को समझने एवं उस पर चर्चा करने का भी मौका दें। और फिर हम ओके बटन को दबाएंगे तो एक रोकने का चिन्ह आएगा। उस रोकने के चिन्ह को चुनकर और फिर हम ओके बटन को दबाएंगे और जब चर्चा खत्म हो जाए तो हम वीडियो को पुनः वहीं से चालू कर सकते हैं जहाँ उसे मैंने छोड़ा था।
और सारा काम हम पीको या रिमोट से भी कर सकते हैं। गिरजी भैया, ये नीचे से चिन्ह कैसे जाएगा? नीचे से चिन्ह को हटाने के लिए हमें वापस बटन को दबाना होता है और तब ये चिन्ह चले जाते हैं। मान लो बिरजू, हमें समझ में नहीं आया और वीडियो थोड़ा पहले से देखना हो तो कैसे देखेंगे? चाचा, पीको में दाएं बाएं का बटन होता है, इनसे आप पीछे जाने का चिन्ह चुन सकते हैं। अब देखिए, वीडियो पीछे जा रहा है। जहां से वीडियो फिर से चलाना हो वहां वहां वीडियो को रोकने और चलाने के चिन्ह को चुनकर और फिर से ओके बटन को दबाएं। बिरजू भैया, कोई और वीडियो दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? वीडियो सूची में वापस जाने के लिए वापस बटन को दबाएं, ये देखिए, और फिर उसी तरह वीडियो सूची में वीडियो को चुनकर चला देंगे। भैया, ये सब बात तो समझ गए, पर ये भी तो बताइए कि पीको बंद कैसे होगा? इसे बंद करने के लिए जो चालू बटन है उसे थोड़ी देर तक दबाए रखें तो पीको बंद भी हो जाता है, ये देखिए। लेकिन एकदम सही बात बोले थे बिरजू भैया कि बंद कमरे में तस्वीर एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था, नहीं? हाँ। मजा आ गया भैया। हाँ तो दीदी भैया लोग, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा है? और कौन कौन सी नई बात सीखी? हाँ भैया, हमने वीडियो दिखाने से पहले सारी तैयारी करना सीख लिए। हमें लगता है कि समूह के सदस्यों के आने से पहले पीको चलाकर एक बार देख लेना चाहिए। भैया, जब लोगों को वीडियो की हर बात साफ साफ सुनाई देगी और दिखाई देगी तभी वो सारी जानकारी ध्यान से देखेंगे और सुने। वीडियो रोक कर और उसे थोड़ा पीछे ले जाकर जब उस पे चर्चा करेंगे तब सब लोग वीडियो में दिखाई गई बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे। हमें विश्वास आ गया है कि हम पीको चला सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा। पर दीदी भैया लोग, जब आप खुद से पीको चलाने का बार बार अभ्यास करेंगे तभी आपके लिए पीको चलाना आसान होगा। बिरजू बेटा, तुम हम सब दीदी भैया लोगों के लिए समय निकाले, सबको पीको चलाना सिखाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने समूह में पीको से वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से दिखलाइएगा। ठीक है जी, चलिए चलते। अच्छा दीदी लोग प्रणाम, आप लोग सब बढ़िया से समझ गए ना? समझ। अच्छा तो अब हम चलते हैं। अरे चाचा, प्रणाम प्रणाम। कहिए, कहाँ से आ रहे हैं? बिरजू बेटा, समूह की मीटिंग से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा चाचा, ये बताइए पीको कैसा चल रहा है? पीको पीको तो दनादन चल रहा है बेटा। हाँ। अरे कल तो मैं वीआरपी सुषमा बहन को भी पीको चलाना सिखा दिया। अरे वाह चाचा वाह, ठीक है चाचा, चलते हैं। प्रणाम। खुश रहो खुश रहो।